जिन लोगों ने सबकत की यानी सबसे पहले ईमान लाए, मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से भी, और जिन्होंने नेकुकारी के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। और उसने उनके लिए बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। और तुम्हारे गिर्दो नवाह के बाज देहाती भी मुनाफिक हैं और बाज मदीने वाले भी निफाक पर अड़े हुए हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं। हम उनको दोहरा अजाब देंगे, फिर वो बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। और कुछ दूसरे लोग हैं कि अपने गुनाहों का साफ इकरार करते हैं, उन्होंने अच्छे और बुरे अमाल को मिला जुला दिया था, करीब है कि अल्लाह उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाए, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है। उनके माल में से ज़कात कबूल कर लो कि उससे तुम उनको जाहिर में भी पाक और बातिन में भी पाकीजा करते हो, और उनके हक में दुआए खैर करो कि तुम्हारी दुआ उनके लिए मूजिब तस्कीन है, और अल्लाह सुनने वाला है जानने वाला है। क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता और सदकात खैरात लेता है, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला है मेहरबान है। और उनसे कह दो कि अमल किए जाओ, अल्लाह और उसका रसूल और मोमिन सब तुम्हारे अमल को देख लेंगे, और तुम गायब हाजिर के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुमको बता देगा। और कुछ दूसरे लोग हैं जिनका काम अल्लाह के हुक्म पर मौकूफ है, चाहे वो उनको अजाब दे और चाहे मुआफ कर दे, और अल्लाह जानने वाला है हिकमत वाला है। और उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गरज से मस्जिद बनाई है कि जरर पहुंचाएं और कुफ्र करें और मोमिनों में तफरका डालें। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से इससे पहले जंग कर चुके हैं, उनके लिए घात की जगह बनाएं, और कसमें खाएंगे कि हमारा मकसूद तो सिर्फ भलाई था, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं। तुम उस मस्जिद में कभी जाकर खड़े भी ना होना, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है इस काबिल है कि उसमें जाया और नमाज पढ़ाया करो, उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं, और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। भला जिस शख्स ने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी रजामंदी पर रखी, वो अच्छा है या वो जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक खाई के गिरने वाले किनारे पर रखी, फिर वो उसको दोजख की आग में ले गिरा, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता।